एंड दिस इज मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने रिवैल्यूशन अकाउंट आपको बताया, आई होप आप समझ गए होंगे। रिवैल्यूशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है जो कि एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज द वैल्यू को रिकॉर्ड करती है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू रिकंस्टिट्यूशन। आज के इस वीडियो में हमने सोचा आपको उसका जर्नल एंट्री इंट्रोड्यूस करवा दें, क्योंकि रिवैल्यूशन अकाउंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका डेथ तक, यानी पार्टनरशिप में जब डेथ तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं वैसे वहाँ भी बनेगा, तो इससे अच्छा होगा हम इस जर्नल एंट्री को देख लें। तो सबसे पहले आपको रिमाइंड होगा रिवैल्यूशन अकाउंट में क्या जाता है और क्या नहीं जाता है। एक छोटा सा इमेजिन करते हैं हम लोग, जितना भी लॉस होगा, जितना भी हमारे लिए एक्सपेंस होगा, वो किस साइड होगा? डेबिट साइड होगा। और जितना भी हमारा इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, वो किस साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। बस इतना ही इसका मेन नियम है, लेकिन ये किस पे चलता है? एसेट्स और लायबिलिटी पर। तो जर्नल एंट्री में हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं, आप इसको देखिए। सबसे पहला टर्म हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज करता है, एसेट्स इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, किस सेंस में हो जाएगा? प्रॉफिट के सेंस में। तो जब एसेट्स इंक्रीज करेगा और वो प्रॉफिट के सेंस में होगा, तो हमारे लिए इन द सेंस ऑफ रिवैल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो जर्नल क्या बनेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, जो भी हो, टू रिवैल्यूशन अकाउंट। क्या बनेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, जो भी एसेट्स का नाम होगा वो एसेट्स। अब नेक्स्ट आपका आता है, जस्ट इसको अपोजिट कर लें, एसेट्स डिक्रीज। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए लॉस हो रहा है। तो लॉस किस साइड जाता है? डेबिट साइड। तो किसके डेबिट में जाएगा? तो उसका जर्नल होगा रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आप इसको फिर से अच्छा से देख लीजिए, जब हमारा एसेट्स इंक्रीज करेगा तो वो रिवैल्यूशन के क्रेडिट में जा रहा है, और जब यह डिक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूशन के डेबिट में जा रहा है। बस सिंपल सा बात है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग चेंज करते हैं, एक और नया टर्म लाते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब ये क्या होता है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कभी कभी क्या होता है, जो पुराना बुक वैल्यू का एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, और रिकंस्टिट्यूशन के बाद पता चलता है जो कुछ और एसेट्स था जिसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गया, तो कहीं ना कहीं उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नया नया पता चला है जो ये एसेट्स रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो अगर कोई भी एसेट्स अचानक हमारे सामने आता है तो एसेट्स मीन्स प्रॉफिट ही होगा। एट फर्स्ट आपको रिमाइंड कर दें, एसेट्स मीन्स क्या होता है? एसेट्स मीन्स वह होता है जो हमारे फ्यूचर में बेनिफिट करे, यानी जो कुछ भी हम खरीदें वो बेनिफिट हो क्या चीज़ के लिए? फ्यूचर के लिए। तो कोई भी एसेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है तो हमारे फ्यूचर में क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो वो मेरा किस सेंस में होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हमारा किस सेंस में होगा? प्रॉफिट के सेंस में होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग जर्नल क्या बनाएंगे? चूंकि हमारा प्रॉफिट का सेंस है तो नाम जो भी नाम रहेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैंने एसेट्स को ये पहले कर दिया। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा। आप जूम करके इसको नोट कर लें। अब हम लोग जस्ट एसेट्स के जगह लायबिलिटी पे आ जाते हैं, तो ये हमारा फोर नंबर हो जाएगा, फोर जर्नल। एसेट्स के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? लायबिलिटीज। अब आप ही सोचिए, लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज करेगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज
इस एसेट्स की जगह हम क्या डालते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स था वैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होगा तो वह भी हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। क्योंकि कोई भी लायबिलिटी अगर अचानक आती है तो हमारे लिए लॉस ही होता है। अब इस जर्नल को हमको चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज मतलब कोई भी लोन का बढ़ जाना, कोई भी प्रोविजन का बढ़ जाना, तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस के सेंस में होगा। तो लॉस किस साइड जाता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो लॉस किधर जाएगा, डेबिट साइड में। हम लोग यहाँ जर्नल क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, जो भी लायबिलिटी का नाम होगा। तो ये किस साइड चला गया, डेबिट साइड में। जस्ट वैसे ही लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, तो फिर जर्नल क्या हो जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जस्ट अपोजिट बात करेंगे हम लोग, तो लायबिलिटी डिक्रीज किया तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस साइड जाता है, क्रेडिट में। वहाँ क्या होगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है। लास्ट है हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, पहले से पता नहीं है और वो अचानक हमारे पास आ गया है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लॉस है। क्योंकि उस लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा तो उस लायबिलिटी को भी हमारे लिए लॉस है, तो कहीं ना कहीं वह भी जर्नल में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड, जो भी नाम होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और नैरेशन में हम लोग सिंपली लिख देंगे बीइंग इंक्रीज डिक्रीज या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या एसेट, जो भी हमारा है वही। तो कुल मिलाकर 6 जर्नल हुआ। एक जर्नल और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम प्रोविजन कहते हैं। आप जानते होंगे प्रोविजन डेटर्स पे लगता है, जो बैड डेट्स को बताता है। तो प्रोविजन जब भी होगा, फाइनल अकाउंट में भी आप बनाए होंगे, प्रोविजन जब भी होगा वो डेटर्स पे लगेगा और डेटर्स एसेट्स होता है। तो इसका मतलब है, मान लीजिए हमारा डेटर्स है 10,000 और उसमें 5% हमारा प्रोविजन हो गया, इसका मतलब है 10,000 का 5%, तो 500 रुपीज जो है वह हमारा बैड डेट्स हो गया, यानी वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तो जैसे वो प्रोविजन बैड डेट्स के रूप में हुआ तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो वो डेबिट में चला जाएगा। और कभी कभी हमारा प्रोविजन यानी बैड डेट्स रिकवर्ड भी होता है, यानी कि वो रिड्यूस भी होता है। तो अगर वो प्रोविजन घट गया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के सेंस में होगा। अगर प्रोविजन का कोई टर्म होगा तो 7 नंबर में हम आपको लिख दे रहे हैं, 7 नंबर में प्रोविजन। प्रोविजन के सेंस में अगर है तो वो नॉर्मली हमारे लिए लॉस ही होगा, क्योंकि बैड डेट्स है तो लॉस होगा। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, जो भी हो, जैसे बैड डेट्स कभी रहता है, कभी डेटर्स होता है, तो जो भी लिया दिखा रहेगा वो आप लिखेंगे। और कभी कभी यही प्रोविजन आपका रिड्यूस्ड होता है, प्रोविजन रिड्यूस्ड होता है यानी कम हो जाता है, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो आप सवाल से ही समझ में आएगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग जर्नल क्या करेंगे, चूंकि हमारे लिए प्रॉफिट हो गया है तो प्रोविजन को हम डेबिट कर देंगे। जिस भी कारण से प्रोविजन है वो दिया रहेगा, आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन। ऐसे प्रोविजन को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है, वो आपके सवाल में क्लियर रहेगा। अगर प्रोविजन डेटर पर है तो समझिए 99% वो लॉस ही होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रोविजन जैसे अभी हम 5,000 बोले और बाद में एडजस्टमेंट में पता चला उसमें से 3,000 हमारा रिड्यूस्ड हो गया, यानी 3,000 का फायदा हो गया, तो वो फिर हमारा किधर चला जाएगा, क्रेडिट में। बस इतना ही जर्नल होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों साइड को इक्वल करेंगे। तो अगर हमारा क्रेडिट ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट हुआ, और अगर प्रॉफिट डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो लॉस हुआ। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्या जर्नल होगा, और लॉस होगा तो क्या जर्नल होगा। लास्ट दो एंट्री है आपका, और वो दो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही समझ में आता है।
तो लास्ट दो एंट्री में हम लिख रहे हैं इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम लोग जर्नल करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और एक चीज आप याद रखेंगे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो किस रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर लॉस हो गया तो लॉस भी हमारा ओल्ड रेशियो में ही बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग जर्नल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको भी हम लोग लिख देंगे बीइंग डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड रेशियो। तो जर्नल एंट्री टोटल 10 जर्नल एंट्री बना है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका एसेट्स और लायबिलिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन रहता भी है और नहीं भी रहता है। एक चीज और आप ध्यान देंगे, जो कभी कभी इज और बाय में ध्यान देंगे, अगर लिखा रहे जो फलाना एसेट्स या लायबिलिटी रिड्यूस्ड या इंक्रीज्ड बाय है, तो बाय करके जो अमाउंट होगा वही अमाउंट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, और अगर नॉर्मल ऑफ है इज है तो फिर बुक वैल्यू और करेंट वैल्यू दोनों को कंपैरिजन करेंगे और दोनों के वैल्यू को हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जर्नल एंट्री बताया, और इस जर्नल को जानना बहुत ज़रूरी है, इंक्रीज द एसेट्स डिक्रीज द एसेट्स, इंक्रीज द लायबिलिटी डिक्रीज द लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड प्रोविजन, एंड इन लास्ट अगर प्रॉफिट हुआ तो और लॉस हुआ तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, अब आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन कर लें, और दो तीन प्रैक्टिकल आप सॉल्व करने का कोशिश करें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पार्टनरशिप के एडमिशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।